हेलो सभी का हमारी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी बलेनो और ह्यूंडई i20 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देश में कार सेक्टर का हैचबैक सेगमेंट अपनी माइलेज वाली कम बजट कारों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी सेगमेंट में कुछ ऐसी कारें भी हैं जो प्रीमियम फीचर्स और दमदार डिजाइन के लिए आती है दमदार डिजाइन के साथ आती है। अगर आप कम बजट में एक प्रीमियम हैचबैक खरीदना चाहते हैं तो यहाँ हम बताने वाले हैं उन दो कारों की पूरी डिटेल्स जो आपके बजट में फिट हो सकती है। इसमें हम तुलना कर रहे हैं मारुति बलेनो और ह्यूंडई i20 कार के बीच, जिसमें आप जानेंगे इन दोनों की कीमत, फीचर्स और माइलेज की पूरी डिटेल्स, ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें। मारुति बलेनो अपनी कंपनी की एक प्रीमियम हैचबैक है, जिसको कंपनी ने 6 मैनुअल और 3 ऑटोमेटिक वेरियंट में लॉन्च किया है। इस कार में कंपनी ने 1.2 लीटर क्षमता वाली 1197 सीसी का इंजन दिया है। यह इंजन 83 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इस इंजन के साथ कंपनी ने 5 स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया है। कार की माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये कार 21.0 किलोमीटर से लेकर 23.87 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। इसकी शुरुआती कीमत 5.98 लाख रुपीस है, जो टॉप मॉडल में 9.30 लाख रुपीस हो जाती है। ह्यूंडई i20 स्पोर्टी डिजाइन वाली प्रीमियम हैचबैक कार है, जो अपनी कंपनी की सबसे सफल कारों में से एक है। इस कार को कंपनी ने 16 मैनुअल और 8 ऑटोमेटिक वेरिएंट में लॉन्च किया है। इस कार में कंपनी ने दो इंजन का विकल्प दिया है, जिसमें पहला पेट्रोल इंजन 998 सीसी और दूसरा डीजल इंजन 1493 सीसी का है। इसको पेट्रोल इंजन की बात की जाए, ये 998 सीसी का 1.0 लीटर क्षमता वाले टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 120 पीएस की पावर और 172 एनएम का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इस इंजन के साथ कंपनी ने 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प रखा है। कार की माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये कार 1 लीटर पेट्रोल में 20.28 किलोमीटर और डीजल पर 25.2 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। कार की शुरुआती कीमत 6.91 लाख रुपीस है, टॉप मॉडल में 11.40 लाख रुपीस हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपका हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।